नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा शहर जो कोसी का जो है पिछड़ा इलाका कहा जाता है, पिछड़ा शहर कहा जाता है, सुपौल कल उसे पंख लगने वाले हैं। कल उसे विकास की एक नई पहचान मिलेगी जब सुपौल से गर्व बड़वारी होते हुए सहरसा के लिए ट्रेन का शुभारंभ होगा और इसकी तारीख तय कर ली गई है, इसकी ट्रेन टाइमिंग तय कर ली गई है और सब कुछ तैयार हो चुका है। बस शुरुआत है ये एक इतिहास की, एक नए इतिहास की, एक नए अध्याय की। लेकिन हम आज बात करेंगे सुपौल से आगे की। सुपौल के आगे रेलवे का प्लान क्या है? रेल तो अब बारी है सरायगढ़ झंझारपुर और फारबिसगंज को जोड़ने की। यहाँ दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको मैप के जरिए समझाएंगे कि क्या स्थिति है काम की और सुपौल से आगे का मिशन क्या है और कैसे सरायगढ़ और झंझारपुर और फारबिसगंज को जोड़ने का रेलवे का प्लान काम कर रहा है। तो सबसे पहले प्लान जो है वो है सुपौल से आगे सरायगढ़ तक ट्रेन को ले जाने की, जो जनवरी में इसका CRS निरीक्षण करने की योजना है। यानी कि जनवरी में उम्मीद है कि ये ट्रेन सरायगढ़ तक पहुंच जाएगी। सरायगढ़ तक जो है वो सुपौल से सरायगढ़ 24 किलोमीटर का जो है वो दूरी है और 25 दिसंबर तक इस काम को पूरा कर लेने का लक्ष्य है और जनवरी में CRS निरीक्षण करा करके ट्रेन दौड़ाने की योजना है। तो ये पहला फेज है सुपौल के बाद। अब इसके आगे सरायगढ़ से निर्मली कोसी ब्रिज, इसको अगले वित्तीय वर्ष तक शुरू करने की योजना है। अगले वित्तीय वर्ष का मतलब है कि पूरे 2020 के अंत तक ये कर लेने की योजना है। इसके बाद सरायगढ़ से फारबिसगंज तक मार्च 2021 तक अमान परिवर्तन को पूरा कर लेने की योजना है। यानी कि टोटल जो सहरसा से 112 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको अप्रैल 2021 तक ट्रेन परिचालन के लिए तैयार करने की योजना पर काम किया जा रहा है। तो यानी एक वक्त ऐसा था जब ये इलाका पूरा पिछड़ा हुआ था, यहाँ ट्रेनें जो है चलनी दूभर होती थी, छोटी लाइन की ट्रेनें चलती थी, बहुत देर होती थी, लोग परेशान होते थे। कोसी का ये इलाका, वो ये इलाका अब जो है वो रेलवे के पूरे रडार पर है और वो कैसे है वो इस मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। सहरसा से सुपौल के बीच काम पूरा हो गया है, 1 दिसंबर से ये चालू हो जाएगा। इसके बाद सरायगढ़ तक जनवरी 2020 तक CRS की योजना है। इसके बाद कोसी ब्रिज होते हुए झंझारपुर, ये काम अगले साल 2020 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद राघोपुर से होते हुए फारबिसगंज जो जाती है लाइन, उसका काम जो है वो अप्रैल 2021 तक कर लेने की योजना है। तो ये पूरा स्ट्रेच जो पूरा ये आप इलाका देख रहे हैं, ये पूरा पिछड़ा इलाका था, बाढ़ग्रस्त इलाका था, कोसी का जो है वो शोक जो है यहाँ दंश झेलना पड़ता था, वो अब रेलवे के डरार पर है और रेलवे इसको बहुत ही प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। और वो दिन दूर नहीं जब इस इलाके में रेलवे जो है वो जाल बिछा देगा और इस तरीके से यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले दिनों में। और 2021 तक की जो योजना है उसके अनुसार यहाँ पर एक तरह की क्रांति आएगी और बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलेगा। और इसकी उम्मीद यहाँ के लोगों को है और अगर ये पूरा हो गया तो विकास की एक नई बयार इस पूरे इलाके में बहेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो कुछ और खबर के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद।